गाइस आप देख ही सकते हो कि सबने फ्लैशेस ऑन कर लिए हैं मेरे नेबर्स में जितने एवरीवन दिस इज जिमरोज सिंह यू वाचिंग जिमरोज सिंह ब्लॉग्स। आज मैं कुछ काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग करने आया हूँ बट द थिंग विच हैज फोर्स मी टू डू ए ब्लॉग मैं ये काइंड ऑफ ब्लॉग नहीं है एक सोशल मैसेज समझ सकते हो। अब क्या है कि जैसे कि सबको पता है कि कोरोना वायरस ने क्या क्या कर दिया हुआ है, बुरी हालत कर दी हुई है सभी देशों की, बड़ी बड़ी कंट्री लाइक USA, इटली एंड ये सब जिनकी मेडिकल फैसिलिटीज सबसे तगड़ी हैं दुनिया में, दीज पीपल आर ऑल्सो सफरिंग। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल की मतलब अभी यही टाइम है कि हम अपने आप को रोक लें, हम अपने आप को कंट्रोल कर लें, अदरवाइज जब ये बिगड़ गया तो इंडिया को किसी का बाप भी नहीं बचा सकता इस चीज़ से, क्योंकि इंडिया की हालत देख लो, बाहर की रोड्स देख लो, बाहर की सफाई देख लो इन जनरल में, ठीक है, बाहरली कंट्रीज की साफ सफाई देख लो और उनकी अभी ये हालत है, और इंडिया तो आपको पता है माशाल्लाह है वैसे ही, ठीक है ना। तो गाइस कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि मतलब लॉकडाउन को मजाक ले रहे हैं, लाइक ए जोक, मतलब लॉकडाउन है चलो घूम फिर के आए, तफरी मार के आते हैं, थोड़ा बाहर बाजार मार्केट घूम के आते हैं, ये करके आते हैं वो करके आते हैं। सो प्लीज़ यार देखो ये चीज़ें टीवी में लगी हुई है, न्यूज़ आ रही है एंड ऑल, तो हम सब लाइटली ले रहे हैं, चलो हो रहा है, लाइक ए मूवी चल रही है ना, बट ये उस समय समझ आएगा जब तुम्हारी किसी फैमिली के मेंबर को ये चीज़ हो जाएगी और उसकी वजह से सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जब बंदा घर से जाता है ना, जिसके घर से जाएगा उसको पता लगता है कि क्या है, और तुम्हारी वजह से और लोगों के लिए भी परेशानी क्रिएट हो रही है। तो एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही है मेरी उन लोगों से जो अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, सीरियस लो, कुछ नहीं करना, कोई बंदूकें लेके बॉर्डर पर नहीं जाना है कि भाई अब जंग लड़के आएंगे तो कोरोना वायरस आ जाएगा, घर बैठो, इतना भी नहीं कर सकते। यही लोग हैं जो जब काम करने का टाइम आता है तो तब घर बैठे रहते हैं, और जब अब घर बैठने का टाइम है तो अब इनको चुल मची हुई है कि बाहर जाएं हम थोड़ा घूमें फिरें, ऐश करें, ये करें वो करें। भाई रुक जाओ, दो चार दिन की बात है, अगर थोड़ी देर इतनी देर निकाल ली, थोड़ी देर और निकाल लो, एवरीथिंग विल बी फाइन सून, जब ठीक हो जाएगा तब तो करो अपना काम यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन रोक रहा है तुमको, है ना। और क्वारंटाइन का जो चक्कर है ये है कि हमें मिनिमम 14 दिन का मतलब घर पे रहना पड़ेगा, अगर आप कहीं बाहर से आए हो, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो, इफ़ यू हैव एनी सिम्टम्स लाइक कफ, कोल्ड और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ जाके अपना COVID टेस्ट करवाइए, मतलब कोरोना वायरस टेस्ट करवाइए, अगर पॉजिटिव है तो उसका इलाज करवाइए, खुद बचिए दूसरों को बचाएँ, साथ में अपनी फैमिली के बारे में सोचें। ये टाइम बहादुरी दिखाने का नहीं है, ये टाइम समझदारी दिखाने का है, ठीक है। और पुलिस वालों को और जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं उनसे उनके लिए काम मत बढ़ाए यार, वो अपना घर बार छोड़ के तो आप सब लोगों के लिए लगे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, और आपको फिर भी तफरी मची हुई है कि भाई बाहर घूम लें, नहीं घूमिए प्लीज़। गाइस आज 5 तारीख है और आज हम सबको बालकनी में जाके वो लाइट्स टॉर्च और दिया जो भी जैसे भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो करना है, करो यार, इससे कुछ नहीं होगा, बट ये होगा कि यार चलो एटलीस्ट लोगों को पता होगा कि हम साथ, यूनिटी आएगी, द फंडा बिहाइंड दिस इज यूनिटी आएगी, बर्तन खड़काने से और मोमबत्ती जलाने से कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा, यूनिटी आएगी तभी लोगों को पता चलेगा कि हम एक दूसरे के साथ हैं। और अपनी साफ सफाई रखो, अपना सारा सिस्टम ठीक रखो, जैसे बताया गया हाथ धो यार, हाथ तो वैसे भी धोने चाहिए, हाथ धो अच्छे से धो। और जो स्पेशली मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर से ग्रॉसरी लेके आ रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, उसको आप अच्छे से पहले वॉश करो, प्रेफरेबली अगर कोई सब्जी सब्जी ला रहे हो तो उसको 2-3 घंटे धूप में रखो, नहीं ख़राब होते, 2-3 घंटे धूप में रखो, अच्छी धूप आ रही है, मौसम बिल्कुल सही मस्त है, धूप में रखो, उसके अंदर जो जर्म्स एंड कीटाणु हैं वो वैसे ही मर जाएंगे, उसको फिर बॉइल्ड वाटर से अगर हो सके तो गर्म पानी से आप उसको वॉश करिए, वॉश करने के बाद आप उसको कुक कीजिए, तो 90% तक चांसेस होंगे कि वो जो वायरस वगैरह होगा अगर उसमें होगा भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद की बात है कि बाहर जा रहे हैं तो आके पहला काम कीजिए हाथ धोइए, उसके बाद किसी को मिलिए, हैंडशेक कीजिए, जो भी है प्रेफरेबली, तो आप वैसे तो अभी लॉकडाउन है तो बाहर आप ज़्यादा, मेरे को लगता नहीं है कोई जाएगा ज़्यादा, जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, जो गधे हैं वो तो गधे ही रहेंगे, वो फिर भी जाएंगे, पुलिस से डंडे खाएंगे पर फिर भी जाएंगे, वो जाना है उन्होंने,
तो अब ये है कि यही था। और क्वारंटाइन जो है वो इतना डिफिकल्ट मत लो यार, इट्स नॉट ए बिग डील, इट्स नॉट ए बिग डील। क्वारंटाइन क्या है कि यार देखो, घर में हम हमेशा होते हैं, एक तरह से बिग बॉस समझ लो, बिग बॉस ही है, बिग बॉस का टास्क समझ लो, अपने घर का एक एक चीज़ पकड़ लो, 21 दिन है ना, जितने भी दिन है एक एक चीज़ पकड़ो, उसको हर रोज़ क्लीन करो जैसा कि आप चाहते हो। हर एक बंदा चाहता है कि उसका घर सही हो, साफ़ सुथरा हो वगैरह वगैरह। हर एक अपने घर की एक चीज़ पकड़ लो जो ख़राब है, जो साफ़ नहीं है, जिसमें गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, उसको साफ़ करो। मेरा तो क्वारंटाइन का ही प्रोसेस होने वाला है। और अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है या आपका घर में ऑलरेडी साफ़ सफाई है, बड़ी बहुत अच्छी बात है, तो आप क्या कीजिए कि अपनी माता जी को थोड़ा आराम दीजिए। इन द सेंस कि कुकिंग कर सकते हो यार, गेम्स खेल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बड़ा कुछ है करने को यार, कुछ भी करो, बट किसी तरह अपने माइंड को इस चीज़ से निकालो कि यार अगर हम घर पे बैठे हैं तो बोर हो रहे हैं, कुछ है नहीं करने को, यार मूवीज़ हैं कितनी सारी, सारी देख ली तुमने, नहीं देखी ना, देखो मूवीज़ देखो, घर का काम करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, होम वर्कआउट करो। इवन कि मैंने लास्ट के 8-9 महीने से वर्कआउट बंद किया हुआ था, अभी जैसे ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, जिम ज्वाइन किया वापस से, तो 1 वीक भी नहीं मैं गया, 4 डेज आई हैव बीन टू जिम, और ये क्वारंटाइन का, लॉकडाउन का ये सिचुएशन आ गया। तो उसके बाद मुझे था कि मैंने अब शुरू किया है तो आई डोंट वॉन्ट टू एंड इट, अब मैंने शुरू किया है तो चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत हम घर पे वर्कआउट करेंगे ही करेंगे। इसीलिए मैंने क्या किया है कि अब मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा कज़न है, उसका घर बिल्कुल 2 मिनट्स वॉक पे है, तो मैं शाम को या सुबह जब भी मुझे टाइम लगता है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, तो मैं आई ट्रेन माई बॉडी देयर, मैं वहाँ पे अपनी बॉडी ट्रेन करूँगा और कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि यार करो यार इसको, यार प्लीज़ सीरियसली लो इस चीज़ को यार, तो गाइस इसको मजाक नहीं लो, कल को ये ना हो कि जो आप जिस चीज़ को मजाक ले रहे हो उसने आपका मजाक बना दिया, तो फिर वो सोच भी नहीं सकोगे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हुआ। तो छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा लॉस बेयर करना बेवकूफ़ी है। तो इन दी एंड मैं ये बोलूँगा, बी सेफ, बी हाइजीनिक और बी हेल्दी, और प्लीज़ बाहर मत जाओ, लॉकडाउन है जितने भी दिनों के लिए, उसको अच्छे से लो, तरीके ढूंढो कि कैसे हम ये दिन निकाल सकते हैं। वो सेलिब्रिटीज़ को देखो क्या कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या दिमाग को लगाओगे दूसरी साइड तभी लगेगा ना, अगर बैठे रहोगे एक ही जगह, नहीं जी क्वारंटाइन है, वो लॉकडाउन हो गया, वो बंद हो गए, जेल में हो गया हम, ये हो गया जी, वो हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, तो फिर ये होना ही होना है। ऑब्वियसली दिल करेगा सबका बाहर जाने का, बट यार थोड़ी देर की बात है, प्लीज़ यार सॉर्ट आउट करो इस चीज़ को और हेल्प करो गवर्नमेंट की, ताकि जल्दी से चीज़ ख़त्म हो चुके और सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, न्यूज़ में बताया, हिंदुस्तान टाइम्स की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, इंडिया में 3300 के आसपास लोगों को ये टेस्ट में पॉजिटिव आ चुका है, और 77 से लेके 80 के बीच बीच में डेथ रेट पहुंच गया हुआ है। तो बाकी कंट्रीज में लाखों में, हज़ारों में ये डेथ रेट जा रहा है। तो यार अभी भी मौका है, सुधर जाओ और बचा लो अपने आप को, अपने घर वालों, कंट्री को तो मुझे पता है, जिन लोगों को कंट्री की परवाह है वो तो ऑलरेडी इस अपना अपना लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं घर पे बेचारे, बट जिनको कंट्री की परवाह नहीं है, अपने घर वालों की परवाह करो, उनके बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो और घर पे रहो, ठीक है। और बाकी का ऐसा है कि क्वारंटाइन है, तो मेरी कोशिश यही है कि यार मेरी चैनल की तरफ से लोगों को अच्छा मैसेज जाए, और मैं थोड़ा बहुत कुछ करके हेल्प कर सकूँ लोगों की, मतलब कि क्या क्या आप घर पे कर सकते हो, है ना। तो अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आई ट्राई माई बेस्ट कि कुछ ना कुछ बताऊं जो आप रेपिटेटिवली घर पे कर सकते हो और आपका टाइम अच्छे से निकल जाएगा। सो गाइज, विद दिस सेड आई एम साइनिंग ऑफ, तो ध्यान रखें अपना और खुश रहें, और डोंट इरिटेट योर मदर।
गाइस आप देख ही सकते हो कि सबने फ्लैशेज ऑन कर लिए हैं मेरे नेबर्स में जितने भी लोग हैं, और इसी के साथ मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करने वाला हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा कि 9 बजे के आसपास, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि आप सब ने अपने घरों के बाहर बालकनीज में दिए जलाने या मोबाइल की फ्लैश लाइट्स ऑन करनी है, सब ने की थी, क्योंकि जम्मू में तो एट प्रेजेंट अभी बारिश हो रही है, पर काफ़ी लोगों ने फिर भी घरों से मतलब बाहर गेट के पास अपने या बालकनीज में आके फ्लैश लाइट ऑन की थी, और कुछ लोगों ने तो पटाखे भी फटाने शुरू कर दिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अभी जैसे कि आप न्यूज़ चैनल में टीवी के न्यूज़ में यही देख रहे हो कि ऑल ओवर इंडिया ना न्यूज़ हो रही है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन आप यकीन मानिए कोरोना को हराने के लिए इस वक्त सबसे मारक मंत्र भी यही है, जिसकी तस्वीरें पूरा देश इस समय आज तक के माध्यम से देखता है। तो गाइस ठीक है, बढ़िया है, बट लोगों को एटलीस्ट क्रैकर्स वगैरह नहीं वो करने चाहिए, हटाने चाहिए। ऑलरेडी पोल्यूशन है, पोल्यूशन को इसी बहाने हमारा दुनिया में पोल्यूशन कम हो रहा है, बट कुछ लोग हैं कि फिर से पटाखे फटाने शुरू कर दिए हैं, बट वो मत कीजिए प्लीज़। तो गाइस मुझे काफ़ी खुशी है कि चलो एटलीस्ट लोगों ने 9 बजे 9 मिनट के लिए फ्लैश लाइट्स जो दिए, जो भी कुछ किया बट जलाया तो ज़रूर है, एटलीस्ट इवन दो बारिश में होने के बावजूद भी लोगों ने जलाया, तो आई अप्रिशिएट इट। और ठीक है, फिर मिलते हैं, तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ एंड बी हेल्दी।